झारखंड पंचायत चुनाव का पारा इस वक्त अपने परवान पर है। हालांकि मौसम का मिजाज थोड़ा नर्म है और अभी चौथे चरण का मतदान होना बाकी है। जैसे जैसे चौथे चरण की मतदान की तारीखें करीब हो रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान भी तेज हो रहा है। सभी प्रत्याशी जमकर अपने क्षेत्र में पसीना बहा रहे हैं। वहीं चौथे चरण की मतदान को लेकर गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र संख्या 12 के जिला परिषद पद के उम्मीदवार मोहम्मद मंजूर आलम उर्फ सोनू भी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। मंजूर आलम ने बताया कि मुझे गोविंदपुर के सभी वासियों का प्यार मिल रहा है, जिसके लिए सभी का आभार प्रकट करता हूँ। इसी के साथ ही मंजूर आलम ने बताया कि अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं अपने क्षेत्र में शिक्षा पर बल दूंगा और धार्मिक स्थलों का उद्धार करूंगा। साथ ही यहाँ की जनता के लिए मैं हर वक्त खड़ा हूँ और रहूंगा। ये बताएंगे, जिला परिषद चुनाव नजदीक आ गया, प्रचार का दौर शुरू हो गया है, जनसंपर्क लगातार आपका चल रहा है। जितना भी जनता है सबके आभार है और सबको धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। और जिला परिषद चुनाव इस बार पहली बार हम खड़ा हुए हैं और बहुत सारा प्यार मिल रहा है और इंशाल्लाह अगर जीते तो सबसे पहले बच्चा का शिक्षा का काम करेंगे। गली नाली तो है ही है और इंशाल्लाह हर काम करेंगे। हमारा जनता से हमेशा संबंध बढ़िया रहेगा और रखना चाहते हैं। और देखा जाए आपके क्षेत्र में एक नहीं अनेक समस्याएं हैं जो लोग पिछले कार्यकाल में जिनका था वो कर नहीं पाए थे, इस बार अगर जीतेंगे तो किस तरह से लोगों का मन को मोहेंगे आप? पहला तो जनता को मैंने दौड़ाएंगे नहीं, हर हाल में हर काम के लिए हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहेंगे। कैसा रिस्पॉन्स लोगों के साथ मिल रहा है, जनसंपर्क लगातार आपका चल रहा है? जहाँ भी जा रहे हैं बढ़िया मिल रहा, इधर भी जा रहे हैं। जनता का जो अभी हर हाल में जीत है, इस बार जीत रहे, लोगों का प्यार से नहीं आपको काफी मिल रहा एकदम है। हर हाल में जीत रहे हैं। जीतेंगे तो सबसे पहला एजेंडा लोगों के लिए क्षेत्र के लिए क्या होगा आपका? सबसे पहला एजेंडा क्या? सबसे करेंगे? पहला देखिए, हम हर गांव गए हैं, हर गांव में यही वादा किए हैं कि देखिए एक बार विश्वास करिए और इंशाल्लाह सब विश्वास कर रहा और करेगा, क्योंकि जितना भी जनता जहाँ जा रहे हैं प्यार बहुत अच्छा मिल रहा और का 3-4 वादा जो किए हम उस वादा को हर हाल में पूरा करेंगे, टाइमली 1 से 10 तारीख के बीच में पूरा करेंगे। क्या क्या वादा पूरा करेंगे जनता? बच्चा का पढ़ाई के लिए पूरा करेंगे, स्कूल नहीं माने ट्यूशन पे, जो बहुत ऐसा गरीब है ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, यानी गरीब बच्चों को ट्यूशन अपने ओर से आप करवाएंगे। हाँ, इसके अलावा क्या करेंगे? बहुत ऐसा मस्जिद है जो अधूरा पड़ा हुआ है, जैसे मंदिर है वो भी अधूरा, कहीं कहीं गए हैं बहुत ऐसा सारा जगह कि अधूरा पड़ा हुआ, उसके भी वादा किए हैं। और गरीब का जो भी काम आएगा इंशाल्लाह करेंगे, दरवाजा से घूमने नहीं देंगे, यानी मंदिर मस्जिद का जो अधूरा काम है पूरा करने के साथ बच्चों का शिक्षा का इंतजाम करेंगे और जो भी अधूरा काम जनता का है वो पूरा करेंगे आप? जी एकदम, हर हाल। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को? संदेश है कि ये इस बार जो है आप लोग इस बार जितना भी जनता बदलाव कर रहा और बदलाव हम भी चाहते हैं, अगला वो लोग बदलाव अगर करेगा तो उसका जितना भी हो सके हम बढ़ चढ़ के इन लोग का साथ देंगे। 5 साल क्या, और इस 365 दिन में यानी आओ हर टाइम हम खड़ा रहेंगे। वहीं स्थानीय महिला पुतुल मंडल ने बताया कि हम सब समूह की महिलाओं ने निर्णय किया है कि मंजूर आलम को ही अपना मत देंगे, मंजूर आलम जीत जाए ताकि हमारे गांव का विकास हो सके। अल्लाह का देखभाल करने के लिए खड़ा हुए हैं और सब मोहल्ला के साथ में बचपन में खेल खेल के बड़ा हुए, बहुत ठोकर बहुत परेशानी से, वो जिल्लत से जिंदगानी से गुजरा हर एक कहानी से, समझ गए, गुजरा हर एक कहानी से, समझिए उसका बात कर उसका हालात को, वो हमेशा देगा आपको साथ, दिन हो या रात, छोटा हो या बच्चा, बूढ़ा हो या चच्चा, खराब हो या अच्छा, हमेशा खड़ा होने वाला वो इंसान है। इसलिए सबको दिल परेशान है, कितना बच्चा या नौजवान है, सबको समझने वाला बात को, सबको देखने वाला हालात को, सबको समझने वाला औकात को, दिन और रात हो सबके साथ हो, यही एक इंसान है जो समझ सकता मजबूरी। प्रेम चोपड़ा रही अमरसपुरी, सबके देखा पकड़ेगा हाथ और सबके देगा साथ, दिन हो या रात, और कौन छूलेगा किसका औकात, बस एकजुट होना चाहिए। भैया से मिलना है और उसको पूरा जोर शोर से उसको जिताना है। क्यों? वो अच्छा काम किए, गरीब की बहुत मदद किए, शादी कुछ भी हो काम, ये बहुत आगे हैं। और भी कई प्रत्याशी हैं, वो लोग बाहर में जाने दीजिए, हम इसको जानते हैं, हम इसी को जानते हैं, अब बहुत गरीब को मदद किए हैं और आगे भी करेगा, ये जीते या हारे ये हमेशा करते रहे।
इनका लगातार जनसंपर्क अभियान चला, लोगों से कैसा इनको मिल रहा है रिस्पॉन्स? हम तो 107 घूमे हैं, पूरा 8 पंचायत होता है, चार तरफ घूमे, इसका सोनू भैया का चर्चा है और आगे भी रहेगा। ये जीते ही हारे हर आदमी का मदद करना फर्ज है इसका। अगर ये जीतेंगे तो सबसे पहले क्या कुछ आप लोग उम्मीद रखेंगे? हम लोग तो उम्मीद रखेंगे, हम लोग जो गांव है बस्तीपुर से हैं, जो जल का संभावना है वो बहुत बहुत मुश्किल है, जल हमको हम लोग का गांव का चाहिए। आपके गांव में पानी जी 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 समस्या है, पानी के अलावा और क्या कुछ समस्या? पानी है और कुछ बहुत है, सड़क है थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ है वो सब भी। अच्छा सोनू भाई पहली बार खड़ा हो गया, पहली बार में ही आप लोग इनको इतना प्यार दे रहे हैं, आखिर क्या कुछ कारण है? नहीं नहीं इसमें प्यार देंगे, इसका जो क्षमता है हम लोग अच्छा तरफ देखे हैं, अच्छा इसका अंदर में गुण है इसीलिए इनका काम करने का जो क्षमता। हाँ जी अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या इस बार बदलाव होगा? बदलाव जरूर होना चाहिए, इस बार बदलाव अच्छा होगा। हाँ हाँ इसीलिए मूड में है, तो इसीलिए इतना आदमी ज्यादा आए हैं ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तबीर अंसारी।